हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज का तारीख है फरवरी का 14 तारीख, और आज मेरा वीडियो जो आ रहा है आप लोगों के सामने, ये कोई ब्लॉगिंग वीडियो नहीं है। मैं एक्चुअली अपने दुकान में ही आज का वीडियो बना रहा हूँ। मुझे एक मतलब ये पेटीएम को लेकर के ही कुछ बोलना है आप लोगों को। पेटीएम का जो सर्विस आता है, वैसे तो मैंने अमेजन पे, फिर गूगल पे, फ़ोनपे, ये सब बना के रखा हुआ था। उसके बावजूद पेटीएम का एक लड़का आया था, मुस्तफिजर रहमान नाम का लड़का है, गोलपुरा का लड़का। उसने ये स्पीकर दिया था मुझे, जो पेमेंट करने के बाद यहाँ पे बता देता है कि कितना हुआ है। तो इसके वजह से मैंने भी इसको लिया था। तो इसी को लेकर के मुझे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ इशू है। तो इसके वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है, आप लोगों के साथ शेयर किया है। शायद मुझे पता चला 2-3 और लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, तो मैंने सोचा एक मतलब वीडियो बना के शेयर कर देता हूँ। शायद पेटीएम कंपनी से अगर कोई देख ले तो ये शायद इशू ठीक कर सकता है। तो एक्चुअली दिक्कत ये हुआ था मुझे कि 12 तारीख को मेरा एक छोटा सा पेमेंट हुआ था। मैं पहले बताया था आप लोगों को, मैं जिस शॉप में अभी बात कर रहा हूँ, इस शॉप में मैं रोज़ बैठता हूँ हेयर को। ये एक्चुअली एक सैलून है, तो यहाँ पे आपका रोज़ का मतलब ऑनलाइन का तो पता ही है, आजकल सब लोग ही ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। पर 50 रुपये से लेके मतलब 1000 भी हो जाता है, कभी 1500-2000 भी हो जाता है। तो इसी के बीच में क्या होता है कि आजकल आप लोगों को पता ही है डिजिटल इंडिया, तो हर कोई मतलब कैश नहीं लाता है, ऑनलाइन पेमेंट ही करना चाहता है। तो ये भी सही है, क्योंकि हम लोगों के पास भी कभी छुट्टा नहीं रहता है, तो इसके वजह से 50-100 रुपये भी कोई कोई ऑनलाइन पेमेंट कर देता है। तो इसके वजह से मैंने ये वाला मशीन लिया था जो पेटीएम का है। तो इसमें एक मेरा पेमेंट आया हुआ था 12 तारीख, उसके बाद सेटल नहीं हुआ था, मेरा अकाउंट में नहीं गया, पेटीएम का जो ऐप्स है उसी में पैसा रह गया था। फिर 13 तारीख को मैंने मुस्तफिजुर को फ़ोन किया था, मुस्तफिजुर ने पहले 13 तारीख को फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद आपका फिर सॉरी 12 तारीख को मैंने फ़ोन किया था, फिर 12 तारीख को उसने रिसीव नहीं किया, शायद रात होने की वजह से या फिर कुछ काम से बिजी हो गए। तो मैंने भी फ़ोन नहीं किया, सोचा 13 तारीख तक पेमेंट हो जाएगा, मेरे अकाउंट में आ जाएगा बैलेंस। 13 तारीख को जब बैलेंस नहीं आया, मैंने उसको 12-1 बजे दोपहर को फिर से फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उसने बोला कि मतलब ग्वालपुरा का ही लड़का है, तो उसने मुझे बोला दादा ऐसा ऐसा है, मैंने ये वाला पेमेंट पेटीएम का जो ये है मतलब कंपनी का जो जॉब करता था मैं, वो वाला मैंने अभी छोड़ दिया है। तो मैंने उसको बोला ठीक है, तो मेरा ऐसे ऐसे कुछ पैसे का दिक्कत हुआ है, तो दूसरा कौन ये करेगा। तो उसने बोला अभी तक तो ग्वालपुरा में ऐसा कोई ऑफिस नहीं है, और ग्वालपुरा में शायद कोई लड़का भी नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ। तो मैं आपको तो मुस्तफिजुर ने बोला मेरा एक सर है, वो गुवाहाटी में रहता है, उसका नाम है मुस्तफिजुर, मुस्तफिजुर ने जिसका नंबर दिया था मुझे, उसका नाम है रूपम मजुमदार। तो उसको मैंने 13 तारीख को फ़ोन किया, लगभग आपका पकड़ लीजिए 10-12 बार फ़ोन किया मैंने, एक बार भी फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर वापस से जब मैंने मुस्तफिजुर को फ़ोन किया कि तुम्हारा जो सर है रूपम मजुमदार, वो तो फ़ोन रिसीव नहीं करता है, फिर उसने बोला कि सर को आप मैसेज करो, वो फ़ोन पे बात नहीं करते। तो ये कौन सा बात हुआ है कि मतलब आप कस्टमर का फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं? तो ठीक है, चलो मान लिया वो भी सही है, अपना अपना कुछ ये होगा। तो मैंने मैसेज किया, मैसेज का कोई रिप्लाई वगैरह नहीं, उसके बाद में उसने रिप्लाई किया। मैंने जब बोला कि मेरा पेमेंट फंसा हुआ है, तो फिर उसने मैसेज का रिप्लाई किया कि कौन सा पेमेंट। उसके बाद मैंने ऐसे ऐसे बोला, मैसेज किया सब कुछ, तो उसके बाद बोला है कि आप एक बार जाके बैंक में पूछ लेना, टेक्निकल इशू है, बैंक से प्रॉब्लम है। तो भाई मुझे बैंक में ही खबर करना है, तो फिर मैं बैंक का मतलब ऐप्स वगैरह कुछ यूज़ करता, ये फिर पेटीएम वगैरह का ये सब मैं क्यों लेता? लेने के टाइम में तो आप लोग बहुत बोलते हो कि मतलब सर्विस अच्छा है, ये है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा तो एक फ़ोन कॉल कर देना, हम लोग आ जाएंगे, सर्विस आप लोगों का ये करा किया जाएगा, ओके सर्विस दिया जाएगा। और सबसे ज़्यादा घटिया जो मुझे लगा वो है आपका रूपम मजुमदार जो है उसका मतलब बात करने का तरीका। क्योंकि मैंने जब फ़ोन किया उसको पहले वाला दिन ही, मैंने जब बताया था कि मतलब पेमेंट का कुछ इशू है,
तो फिर उसको जब पता ही है कि मतलब कोई कस्टमर है, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है, इसके वजह से फ़ोन किया, तो उसने फ़ोन रिसीव करके मतलब सर आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम है, ये है, ऐसा कुछ बात नहीं, डायरेक्टली बोला हाँ हेलो, हाँ क्या है, अच्छा तो फिर आपका पेमेंट शायद आज हो जाएगा, आप देख लेना और एक बार जाके बैंक में बात कर लेना। भाई अगर मुझे इतना दौर भाग करना है तो फिर पेटीएम की तरफ से आप लोगों को सैलरी क्यों मिलता है? मेरा क्वेश्चन ये पेटीएम पेटीएम से है, मतलब पेटीएम कंपनी कंपनी के लोगों से है। आप लोग अगर सही तरीके से एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, मतलब ले नहीं सकते हो जो सर्विस दे सके, तो ये सब सामान जो है ना बेकार में मार्केट में दे के छोटा मोटा लोगों को मतलब प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। जैसे कि मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ, इसके वजह से पेमेंट सेटल हुआ नहीं हुआ ये सब देखने मुझे आता है, लेकिन जो पान तामूल दुकान में है और मैंने देखा यहाँ पास में ही एक चाय दुकानी वाला है, वो तो पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो उसके बैंक में कैसे मतलब पेटीएम से पैसा ट्रांसफर हो रहा है नहीं हो रहा है वो उसको तो पता भी नहीं है। मैंने जब उसको उस दिन बोला है कि ऐसे ऐसे सेटल करना पड़ता है, उसके बाद उसने बोला है कि एक्चुअली मुझे पता नहीं था, तो उसने बोला कि ठीक है मैं फिर घर में किसी को देखने के लिए बोल दूंगा या फिर रोज का पेमेंट चेक करने के लिए बता दूंगा। तो मेरा सवाल ये है कि मतलब पेटीएम से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि यह सब हो गया आप लोगों का टेक्निकल चीज़ हो जाता है, तो यह सब में कभी कभार दिक्कत आ सकता है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पेटीएम से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है मुझे मतलब पेटीएम के एम्प्लॉय से, जैसे ये मुस्ताफिज जो अभी है नहीं ग्वालपर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब काम छोड़ दिया है, तो ठीक है कोई बात नहीं काम छोड़ दिया, फिर भी उसने अच्छा खासा रेस्पॉन्स दिया, बात भी किया, लेकिन ये रूपम मजुमदार जो है मतलब इसका क्या ही बताऊँ। मुझे बोला कि आप स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो, आज जब मैंने बात किया कि उसने बोला मुझे कि आप स्क्रीनशॉट भेज दो, आज पेमेंट हो जाएगा शायद आपका। मैंने फिर उसको मैसेज किया कि आप थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा, मेरे पैसे का कुछ ज़रूरत है, ऐसा करके मैसेज किया, तो फिर उसने कुछ रिप्लाई नहीं किया। मैंने नहीं मैंने मतलब नहीं भी होने से 10 से 15 मैसेज किया, तो उसने मतलब लास्ट में मैंने देखा कि नेट ऑफ करके रखा हुआ है कि क्या है पता नहीं, मेरा 3-4 मैसेज मतलब उसने सीन ही नहीं किया। मतलब ये सब आदमी काम क्यों करते हैं, अगर सर्विस देना नहीं जानते तो क्यों करते हैं ये सब? आदमी को मतलब एम्प्लॉय के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए, तो यही मुझे बोलना चाहिए, मेरा मतलब बात था। और रहा बात ये पेटीएम का मशीन का, इसको तो मैं अभी आज से ही छोड़ रहा हूँ यूज़ करना। और दूसरा बात आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर यूज़ कर रहे हो किसी भी कंपनी का मतलब पेमेंट मशीन, तो आप लोग भी थोड़ा देख के कीजिएगा, मैं तो इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि आज के बाद पेटीएम का मतलब कोई यूज़ नहीं रहेगा मेरे दुकान में। मैंने उसको मैसेज भी कर दिया है कि आप लोग अपना मशीन लेके जाना, मुझे इसको मैं इसको अब यूज़ नहीं करूँगा।